साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां तो हम आप तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से भी, ताकि उनकी कामयाबी की दास्तान जानकर आप भी उनसे ज़रूर प्रेरित हों। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए क्या कुछ खास जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और बता दें यही वजह है कि अब हमारे जो किसान हैं, यानी कि जो आप लोग हैं, जैविक खेती की ओर अपना रुझान भी बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी संवर जाता है, क्योंकि हम जैविक उत्पादों का सेवन करते हैं। बता दें आपको, इसका जो बाजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में शेस्प्रो की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो सभी प्रकृति के अनुरूप हो। कुछ ऐसी ही है प्राकृतिक खेती, जो नए प्रयोग को सफल बनाने में खुद भी मदद करती है। हमारी सरकार भी इस पर जोर दे रही है, किसान भी। हमारी सरकार भी इस पर जोर दे रही है और किसान भी, और कुछ गैर लाभकारी विकास संगठन भी। सभी का एक ही लक्ष्य है कि खेती ऐसी हो जिससे किसी भी स्तर पर नुकसान की आशंकाएं ना पनप सके। इसीलिए प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। भारत में साल 2017-18 में करीब 1.70 मिलियन मीट्रिक टन पंजीकृत जैविक उत्पादों का उत्पादन लिया गया और हमारा ये क्रम जारी है। इसकी वानगी हमें देखने को मिली ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपनी खेती की तकनीकें तो युवा जैविक उत्पादों को प्रदर्शन करते नजर आए, जिसे आयोजित करने में शेस्प्रो की भी भूमिका थी। क्या है शेस्प्रो, आइए जानते हैं। शेस्प्रो एक गैर लाभकारी विकास संगठन है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और स्थिरता लाने की पहल को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य है MSME को संगठनात्मक और व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना, बदलती स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थिरता की जरूरतों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान, समझ और प्रयास को बढ़ावा देना व प्रोत्साहित करना, नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए साझेदारी और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना और उनका पता लगाना, भारत और विदेशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, विचार मंथन, प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना। शेस्प्रो के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। आज हमारे साथ हैं श्री वेद प्रकाश महावर जी। हमारे साथ महावर जी जो हैं, ये अध्यक्ष शेस्प्रो हैं और इनका मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्म को किस तरह लोगों तक पहुंचाएं, किसानों की जो प्रयास है उसको लोगों जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उनको लाभ कैसे दिया जाए, और इसके साथ साथ वो युवाओं को स्टार्टअप जो कर रहे हैं या कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, उनको एक मार्केटिंग और दोनों मिलने का एक व्यवस्था कराने का, इसी सिलसिले में उन्होंने थर्ड एक्सपो का आयोजन किया है दिल्ली के पूसा में। आइए जानते हैं कि उनके पीछे और वो क्या क्या सोच रखते हैं ताकि युवाओं को फ़ायदा मिले। तो हमारी जो संस्था है शेस्प्रो की अगर बात करते हैं तो इसी ये हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में है। तो हेल्थ अगर अच्छी होगी तो सेफ्टी भी होगी, और मैं समझता हूँ अगर हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी सोच को लेते हुए हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है दिल्ली में। पहले दो प्रोग्राम इंदौर में हुए थे, इसको रीजनल लेवल पे किया गया था, अब हमने इसको ग्लोबल लेवल पे किया है।
हमारा मानना ये है कि जो खेती किसानी में जो साइंटिस्ट लोगों ने काम किया है वो हमारे जो किसान भाइयों वहाँ तक पहुँचे। और आज मैं एक ताराचंद बेल जी को सुन रहा था, काफ़ी इंजीनियर्स भी इस कहते हैं जैविक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मेरा भतीजा है जो इंजीनियर है, जो बहुत बड़ा बिल्डर था, उसने भी अभी जैविक खेती की तरफ चला गया है। वो उसने भी 250 एकड़ ज़मीन लेके उस पर वो कार्य कर रहा है और किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध है उसके, और वो डायरेक्ट खेती का काम कर रहा है। तो इससे मेरे को जो प्रेरणा इस जैविक खेती के बारे में मिली वो 2015 में मिली, जब मैं अगरतला में पोस्टेड था। मैं ONGC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे था और मोदी जी आए थे हमारे एक प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे जैविक खेती के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली, तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें इस क्षेत्र में अगर हम जाएँ तो निश्चित रूप से देश का भी भला हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सिक्किम पूरा जैविक राज्य बन गया है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा देश भी जैविक देश बने। इस तरफ हम ऐसा हमारा सोच है और इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हम चाह रहे हैं कि जो किसान भाई हैं और साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने भी जो रिसर्च वगैरह वर्क किया है, वो सब आके एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करें और इसका पूरा फायदा हमारे देश के किसानों को मिले। और एक जो मिथ को भी हम तोड़ना चाह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हमारे को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। जैविक खेती से भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है, सिर्फ हमको अलग जो टेक्निक्स, सही टेक्निक्स का उपयोग हमको करना है। अगर हम उस टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो हम जैविक खेती में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा हेल्दी जीवन दे सकते हैं, उनको सेफ जीवन दे सकते हैं और हमारा एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महावर जी आपको, आपने इतनी बड़ी सोच के साथ मीन्स जैविक राज्य ही नहीं जैविक भारत की सोच रखे थे। और यहाँ जैविक अगर भारत का सपना अगर आपका पूरा होता है तो यहाँ सिर्फ किसानों को ही नहीं, हमारे जो भारतवासी हैं उन सबको लाभ मिलेगा, उनके स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन हमारे लिए कब फायदेमंद हो सकता है? जब हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। हमारे पशु स्वस्थ हैं कि नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, ये जानने के लिए हमारे युवाओं ने एक डिवाइस तैयार की है। क्या है ये डिवाइस, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। हमारी सेहत बेहतर हो और शरीर में होने वाली तब्दीलियों की हमें समय से जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बाजार में कई तरह के डिवाइस उपलब्ध है जो हमें समय समय पर आगाह करती रहती है कि क्या खाए, कितना चले वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पशुओं के लिए भी कोई ऐसी डिवाइस या युक्ति होनी चाहिए जिससे समय रहते उनकी बीमारी और शरीर में हो रही विषम हलचलों की जानकारी मिल सके? कोई सोचे या ना सोचे, एक कंपनी ने ऐसा सोचा भी और करके भी दिखाया।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टे लैब्स की, जिन्होंने पशुओं के लिए एक डिवाइस तैयार की है जिसे नाम दिया गया एक्टी ट्रैक डिवाइस, जो देखने में बिल्कुल स्मार्ट वॉच की तरह है, जिसे पशु के आगे पैर में लगा दिया जाएगा और उसे पशु के बारे में ये जानकारी मिलेगी। पशु कितनी देर चला, पशु ने कितना आराम किया, पशु के शरीर का तापांतर, जुगाली करने की अवधि, गाभिन पशु के बारे में जानकारी, ये डिवाइस काम कैसे करता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। हम अभी नई आविष्कार को लेके आए हैं और वो है हमारा एक्टिव ट्रैक डिवाइस। ये एकदम फिटबिट जैसे डिवाइस है, जैसे इंसानों के लिए होता है वैसे ये पशुओं के लिए है, गाय के लिए है। आप गाय के आगे के दो पहियों में से किसी एक पहिये में इसको बांध सकते हैं, जिससे गाय का हर प्रकार का मूवमेंट ट्रैक किया जा सकता है, जैसे कि कितने देर गाय सोया है, कितने देर गाय ने खाना खाया है, कितने खाना को चबाया है, कितने देर मूवमेंट किया है, उसका हीट साइकिल, उसका इंसेमिनेशन का टाइम, उसका प्रेगनेंसी डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको इस डिवाइस से मिल जाएगा एक ऐप यूज़ करके, उसका नाम है मूव ऑन ऐप। मूव ऑन ऐप आपके स्मार्टफोन में होगा और आपको हर चीज़ का अलर्ट्स मिलेगा। अच्छी बात क्या है, अलर्ट्स आपको रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में अगर आपको चाहिए तो आपको हिंदी में लिख के आएगा, जैसे कि आपकी गाय रानी क्रमांक 5 अभी अस्वाभाविक तरीके से व्यवहार कर रही है, ये डिटेल आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या है, ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये कभी भी गाय अगर पानी में बैठती है, कीचड़ में बैठती है, मिट्टी में जाती है या तेज नीचे बैठती है जिससे ये टूट जाए या लगे कि ज़मीन पे हिट कर रहा है, तो भी ये टूटेगा नहीं, ये पानी से ख़राब होगा नहीं। 3 साल तक इसका बैटरी वारंटी है, ये आप जब तक यूज करेंगे 3 साल तक, तो आपका इसका कोई बैटरी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है। इतनी खूबियों वाले इस डिवाइस को पशुपालक कैसे ले, देवाशीष से ये भी जान लेते हैं। इसको खरीदने के दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार प्राइसिंग की गई है, एक है कैपेक्स मॉडल जिसमें आप पूरी तरह सामान को अपना बना सकते हैं, और एक है ओपेक्स मॉडल जहाँ पर यह रेंटल बेसिस पे दिया जाता है। तो कैपेक्स मॉडल में कैसा होता है कि ये सारे डिवाइस, एक डिवाइस 8,000 रुपये का होता है जो एक गाय को पड़ता है। ऐसे कई सारे डिवाइस आप लेंगे, जितनी गाय उतनी डिवाइस, एक डिवाइस 8,000 रुपये। ये सारे डिवाइस एक गेटवे से जुड़ता है, सेंट्रल गेटवे जहाँ से डेटा क्लाउड में जाता है, वो एक गेटवे 30,000 रुपये का है। कैपेक्स मॉडल में जैसे मैंने बोला 8,000 एक डिवाइस, 30,000 का पोर्टल, इंस्टॉलेशन का 3,300 रुपये और सोलर लगाने का 2,700 रुपये यदि आपके पास सोलर ना हो। इसके बाद 2 साल तक आपको कोई खर्चा नहीं है। दूसरा मॉडल है ओपेक्स मॉडल जहां हम रेंटल बेसिस पे देते हैं, वहां गेटवे का कॉस्ट होता है 20,000 और प्रत्येक डिवाइस का कॉस्ट मात्र 2,500 हो जाता है। इंस्टॉलेशन और सोनल का प्राइस वही रहता है 3,300 और 2,700, पर इस केस में आपको 550 रुपये प्रति माह देना पड़ता है इसके मेंटेनेंस के लिए। इस तरह से देखा जाए तो युवाओं की सोच और उनके प्रयासों से आने वाले समय में किसान व पशुपालक नई तकनीकों के इस्तेमाल से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और पशुओं को भी बेहतर माहौल मुहैया करा सकते हैं। कार्यक्रम में नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर, क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए दिखाते हैं आपको। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए, ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन, इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। एक वादा था, बात होगी बदलाव की, उन्नत होती कृषि और किसान की, हमने कोशिशें लगातार की, हर कदम पर किसानों का साथ दिया,
किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हम सफर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में अब युवाओं का रुख बदल रहा है, वो नई तकनीक के साथ खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद उन्होंने खेती का दामन थामा है। कौन है हमारे आज के कामयाब किसान, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। राजस्थान में खेती के लिए स्थितियां काफी विकट है, लेकिन यहां के किसान इन परिस्थितियों से लड़ना और सफल होना बखूबी जानते हैं। इसीलिए राजस्थान की भावी पीढ़ी अब खेती में सुनहरे विकल्प तलाश रही है। पूसा द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में हमारी मुलाकात हुई जयपुर के कोटपुतली के लेखराम जी से, जो उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम जी करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनसे बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। लेखराम जी मिले, जो जैविक किसान हैं और जयपुर के कठपुतली में रहने वाले हैं। वो वहाँ 350 एकड़ में अपना हॉर्टिकल्चर और तरह तरह के सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पूरी जैविक पद्धति से वो खेती कर रहे हैं। आइए, मैं स्वागत करता हूँ आपका। लेखराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। लेखराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये जैविक विधि कर रहे हैं, कौन सी पद्धति को अपना रहे हैं और जैविक अपनाने के बाद आपका क्या फ़र्क महसूस किया? बेसिकली मैं 2016 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और ताराचंद बेल जी की टेक्नोलॉजी से मैं 2019 में इनके से कॉन्टेक्ट में आया था। उससे पहले मैं जितनी भी अपनी बायो फर्टिलाइजर कंपनियाँ हैं जो बायोकेमिकल्स बनाती हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता था 15-20 लाख रुपए के। बट गुरुजी के जब संपर्क में आया, इनके टेक्नोलॉजी को समझा, क्योंकि मैं साइंस से था तो बहुत जल्दी इनकी टेक्नोलॉजी को समझ गया था, तो मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। भस्म रसायन, जैव रसायन वगैरह, सड रस वगैरह, तो मुझे इंस्टेंट उसके ना बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। अभी जैसे मेरा पास 2.5 और 3 साल के नींबू हैं, तो 3 साल 3.5 साल वाले जो नींबू हैं, वो एक नींबू वो कम से कम 150-200 केजी नींबू आराम से वो दे रहा है। लेखराम जी ने उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी भी की, लेकिन इसके बाद कैसे उनका मन कृषि के क्षेत्र में आया, हमारे संवाददाता ने उनसे जानने का प्रयास किया। खेती में आने का आपका मनसा कैसे बना? मैं मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट था, मैं टेक्निकल मैनेजर था एक NABL लैब के अंदर गुड़गावा, और मेरा सर सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मेरा हो भी गया था प्राइवेट के अंदर, किम्स है कराड़ के अंदर, कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, पर मैंने वहां से स्विच कर दिया कि मुझे नहीं करना है। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब देश की सेवा कर सकता हूं हेल्दी तरीके से, तो मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे करते करते आया कि भाई सभी लोग केमिकल से परेशान, आज के दिन में कोई केमिकल नहीं खाना चाहता, सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मैं अपनी जॉब को स्विच करके और मैंने फार्मिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्टिंग से ये लार्ज स्केल पे किया, क्योंकि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट इसमें फार्मिंग में जो है मतलब कि प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो मैंने लार्ज स्केल पे किया। सबसे पहले एलोवेरा लगाया, उसके बाद 15-15 फीट पे नींबू लगाए, उसके भी इंटरक्रॉप में पपाया लगाया, बाउंड्रीज पे मालबार नीम मोरिंगा और ये सब लगा के मैंने स्टार्ट किया, और अब मुझे बहुत ही मतलब अच्छा इस टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, और मेरा सेल आउट कंप्लीट मेरा प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक NPOP इंडिया एंड UHA सर्टिफाइड है, और दिल्ली NCR में बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मेरा टाइप हो रखा है और बिक रहा है बहुत अच्छे तरीके। खेती और उसके बाद फसल उत्पादन, हर किसान के लिए ये करना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बात आती है बाजार की, उत्पाद की मार्केटिंग की, तो कुछ समस्याएं आना लाजमी है। इस समस्या का सामना लेखराम जी ने कैसे किया, आइए जानते हैं। मार्केटिंग के लिए आपने और क्या क्या व्यवसाय किए? मार्केटिंग के लिए सर कुछ नहीं किया, मैं बेसिकली मैं साइंस से था तो मुझे लगा कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होएगा तो तब तक आपका प्रोड्यूस सेल नहीं होएगा। तो मैंने 2016 में जब मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो मैंने सर्टिफिकेशन में लैंड को उसी टाइम पे डलवा दिया था,
तो जब मैं 2017 में जब मेरा चल रहा था इन कन्वर्जन सर्टिफिकेशन चल रहा था, तो गुड़गांव में मैंने एक दो जो स्टोर कर रखे हैं मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनको मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया, उन दो ने चार को बताया, चार ने आठ को बताया, तो फिर मेरा धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया और आज के दिन मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रोड्यूस सेल आउट हो जाता है। लेखराम जी जैसे युवा किसान भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं, ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान, उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। तो इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही, और चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।